एकदम जबरदस्त। ठीक है तो टेंशन लेने का कोई बात। तो अभी हम लोग स्टेशन से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी हम लोग घूमने के लिए हम लोग सोचे कि क्या करें, तो देखते हैं क्या रेट है और कैसे कैसे घुमाने का कहाँ का प्लान है। तो फाइनली हम लोग होटल भी पहुंच गए, पूरी होने के बाद होटल भी आ गए और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि थक भी गए हैं और हम लोग एक घंटा पहले भी पहुंच गए। तो अभी जाएंगे फ्रेश फ्रेश होएंगे, उसके बाद ही कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। होटल हम एक घंटा पहले हम लोग पहुंच गए। कोई ना, बाल घूमने का मौसम बहुत अच्छा, क्या बाल जो आप कर रहे हैं आपको। नेचर भी बहुत अच्छा है। जी मैडम, आपका कॉफी आ चुका है। ओह थैंक यू। मॉर्निंग में कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के बाद अभी सैंडविच होगा और सैंडविच के बाद हम लोग फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद फिर कहीं घूमने जाएंगे। आज भी तो कुछ खाने का डिसाइड करें। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट हो गया, तो हल्का हल्का ब्रेकफास्ट करना क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो उसी अनुसार से। तो चलिए जल्दी जल्दी, मज़ा आने वाला फिर से। टेस्ट करते कैसा? वो यहाँ का खाना जो अच्छा बना ना, सॉस लिए, सॉस के साथ लेकर। तो बहुत भूख लगा था गाइस, तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नहा वहा के चलेंगे बीच पे। तो रेडी हो चुकी है, अब अभी हम लोग जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग अभी ज़्यादा अभी क्या अभी तो हम लोग गर्मी के मौसम में हैं, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि एक बार पहले जाके देख लें कि आखिर वहाँ पे किस टाइप। हम कुछ ज़्यादा खास में नहीं चल रहे क्योंकि बीच पे जाना है और इस वजह से शॉर्ट्स पहन लें और शॉर्ट्स एक टी शर्ट डाल लें। लड़का लगता है ऐसे ही स्मार्ट है, तो क्या जरूरत है क्या? तो कोई बात नहीं, आप बताइए कि हमारा लुक बीच के पास जाने के लिए कैसा लग रहा है। तो बीच में क्या हल्का ही कपड़ा पहन के जाने में अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग लगभग रेडी होंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा मेरा लुक लग रहा है। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, तो फिर शाम को ऐसे ही लुक में खिल जाएंगे और नहीं तो फिर वैसे देसी स्टाइल में चला जाएगा गमछी बांध के। तो बताइए कि हमारा लुक कैसा लग रहा है। हम तो लग रहा है जैसे कातिल जैसा लग रहा है। एक लड़की इधर जल रही है और जलने का बू भी आ रहा हुआ। कितना ज्यादा गाइस, सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लोग तो जलना काम है, हमको कहर मचाना काम है। तो क्या बोलते लगे थारा हुआ जोगिंदर आने वाला। इतना जबरदस्त ये लगा के अभी हम कर, हमको मालूम है कि अब उड़ीसा सरकार जो ने बंद करवाने वाला बीच, बस नहीं, नहीं। क्या होगा, बोले लास्ट टाइम बेटा तुम लोग आ गए। ये बड़ा लग रहा है, एकदम सेम साइज लग रहा है, एकदम जल्द लेने का कोई बात नहीं। तो एकदम लुक और फिर बीच का लुक होना चाहिए वैसा लुक है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। तो एकदम चलो लगा इसको। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर
और गेट लॉक हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा धूप है तो इस वजह से चश्मा लगा लेते हैं तो क्या होगा, धूप थोड़ा कम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा कम लगता है इसको धूप में। अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा। चलिए हो गया मैम, चाबी अच्छा से लॉक चेक कर लीजिएगा, पर्स में डाल दीजिए इसको। तो चलिए अब चलने वाला है बीच के पास, मजा आएगा। पहली बार लड़की के साथ बीच पे जा रहे हैं। हाँ, इसके पहले हम बहुत बार आए हैं और घूमे भी, हम पहले कहाँ घूमते गए, रिसेप्शन में इसका होटल का वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और होटल का व्यू भी बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, चलिए और कि चल के रात हो जाओगे तो कोई बात नहीं, तो आँख के पास लगे अब कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा धूप लग रहा है लेकिन वहाँ पे बीच में सब बोले हैं कि कम लगेगा और अच्छा ही लगेगा, तो जाके ही देखते हैं कि कैसा लगता है बीच पे। वैसे तो यहाँ और जगह से ठीक ही लग रहा है, इतना भी गर्मी नहीं लग रहा, लेकिन गर्मी है तो थोड़ा तो लगेगा ही। तो अब हम लोग बीच के लिए निकल गए हैं और ये हम लोग बीच पे अब कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो चलिए बीच का मतलब दूर से ही पहले नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये बीच का मेरा दूर का नज़ारा। देर नहाने के बाद फिर सब भूल जाता है, सब इधर मार्केट ही लगा रहता है। लगभग कहाँ पे समुद्र के पास पहुँच चुके हैं और बीच के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और हम लोग इस झुग्गी झोपड़ियों के बीच में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और माय गॉड देखो कितना जोर से आता है। तो हम लोग बीच पे पहुंच गए, बहुत ही मज़ा आ रहा है और यहाँ पे बहुत ही ठंडा जैसा भी फील हो रहा है, मतलब एकदम गर्मी नहीं लग रहा है, कूल टाइप में लग रहा है। यहाँ पे बीच है इसके वजह से लग रहा है और यहाँ पे और बहुत सारे लोग भी हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। अभी हम लोग बीच पे आए और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ का सीन, मतलब यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और ये रहा बीच का नज़ारा और यहाँ पे मिठू जी रील शूट कर रहे हैं, तो अगर वो रील आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम में जाइए, misty.mithu and mithu.misty, हम दोनों का वहाँ पे लिंक मिलेगा, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए बीच का बहुत सारा रील बनाएगा इस, तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम में जाइए और गाइस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हम लोग यहाँ पे ऊँट का सवारी करेंगे, बहुत मज़ा आता है, ये मेरा दूसरा बार है क्योंकि एक बार और हम जब गए थे भैया लोग लेके गए थे, हम और दीदी सब चढ़े थे और अभी सेकेंड बार मिठू जी के साथ चढ़ रहे हैं, तो आई एम सो एक्साइटेड, बहुत मज़ा आता है। वीडियो
पर्स वहीं पे होगा, देखो। और अभी हम लोग बीच का मज़ा ले रहे थे, यहाँ पे हम दिल बना के मिट्टू जी का नाम लिख रहे हैं, लेकिन लहर इतनी आ रही थी फिर भी मैंने लिख लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए, मस्ती स्टार्ट, खूब मज़ा करेंगे। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा और देखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा हम लोग का ये ट्रिप। और देख सकते हैं कि मिट्टू जी कितना इंजॉय करेंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुश भी है। और ये मतलब आप देखो कि कितना अंदर तक जा रहे हैं, ये खूब मज़ा है, हम दोनों ने खूब मज़ा किया है। तो आप ब्लॉग को बस देखिए और एंजॉय कीजिए। दोनों मिलके खूब मस्ती किए, मेरे को तो इतना मज़ा आया कि आप देखोगे ब्लॉग तो बोलोगे भी कि हम खूब मस्ती किए। और हम दोनों साथ में बहुत मस्ती किए, बहुत ही अच्छा लगा इस बीच में आके। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि हम लोग तो बहुत इंजॉय किए। तो हम लोग नहा के बाहर आ गए हैं, बस अभी कुछ इधर उधर का थोड़ा सामान देखेंगे बीच का और फिर रूम में जाएंगे। वो डिजाइनिंग के लिए क्या दिखाने वाले। तो फाइनली हम भी हम लोग हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ता सस्ता में सारा मार्केट में जितना भी दुकान है सब में लगभग बाजार चलो बेटा। ये लड़की खूबसूरत में नहीं मिल रहा है और हम देखिए कैसे गवार जैसा हो गया। बोले थे लड़कियाँ मार्केट कहाँ है, तो सारा ये बेकार हो जाता है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सब उधर देखो लिखा हुआ। इस लोकेशन में चलते हैं हम लोग। तो बहुत मस्ती वगैरह हो गया, तो अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि अभी भी हम यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी के मौसम महसूस में हुआ और आज भी नहीं लग रहा है। बहुत ही अच्छा हवा चल के बहुत नाई वहाँ पे है। और फाइनली अब पहुँच गए हम लोग होटल के अंदर। तो बताओ थक गए हो क्या? नहीं थके, बस पूरा थकना नहीं बेटा, अभी स्टार्ट हुआ आज। नहीं हम थके भी नहीं, हम बस चेंज करने जल्दी से जाते क्योंकि बालों पूरा हर जगह घुस जाता है। नमकीन नमकीन जैसा ना समुद्र वाला सा पानी से। चाबी किस में?
यहीं पे लाके क्या करें ना, उसको दे देंगे नजारा। तो फिर से हम लौट आए हैं ये हम टोपा टोपी लगा के। तो अभी हम लोग क्या करना है, ब्लॉग को एंड करना है अभी। इसके बाद भी जाएंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। ये ब्लॉग बस यहीं पे, काफी ज्यादा ब्लॉग लंबा हो गया, मजा नहीं आया क्योंकि आपको ब्लॉग में हर पार्ट में एंजॉय करना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा लंबा ब्लॉग को नहीं करेंगे। तब भी आप लोग बीच वाले ब्लॉग का मज़ा लीजिए और ब्लॉग को हम लोग यहीं पे कर रहे हैं इसको एंड। तो टाटा बाय 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 करो। तो चलिए हम लोग रखते हैं अभी के लिए, बाय टाटा।